नहीं भैया एक फोटो करा के दोस्तों नहीं भैया थैंक यू एंटोन नहीं भैया। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है डे टू इन मसूरी। हम लोग एकदम मस्त तैयार हो गए हैं, नाश्ता वास्ता हमने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं कैंप्टी फॉल और इसके अलावा कंपनी पार्क उसी के पास में हमने ये डिसाइड करा है, पर हो सकता है हम एक और जगह पे जाए। डिपेंड्स की कितना टाइम लगता है और क्योंकि यहाँ पे मोस्टली चीजें 5 बजे बंद हो जाती हैं, तो इस हिसाब से अभी थोड़ा हम देखेंगे आइटनरी। ये जो जगह तो फिक्स है, इसके बाद में देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, इधर भी जाती है ना, रास्ता कितनी दूर है यहाँ से भैया? मेरे अंदर से 10-12 किलोमीटर के आसपास हुआ। 10-12 किलोमीटर का रास्ता। दुकानें कितनी मस्त है यहाँ पे, देखो कितनी सारी दुकानें हैं। तो अभी तो हम आए कैंप्टी फॉल। तो कैंप्टी फॉल आने के ना दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है सीढ़ियाँ हैं, रास्ता एक ही है, उसके बाद में दो जगहें आती हैं। एक तो होता है कि आप यहाँ तो 150 सीढ़ियाँ नीचे उतरो वॉकिंग, दूसरा है बाय ट्रॉली। अभी हम जहाँ पर है वो पूरा ट्रॉली वाला इलाका है और हमने यहाँ पे ली है 200 रुपये की ऊपर नीचे दोनों तरफ आने जाने की टिकट है पर पर्सन। अभी लाइन बहुत लंबी है क्योंकि भीड़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, बट रास्ते दो ही हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अगर आपको सस्ते में और फ्री में जाना है तो फिर आप 150 सीढ़ियाँ नीचे उतर सकते हो। अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर आप थक चुके हो तो फिर इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको यहाँ से ट्रॉली लेके नीचे जाना होगा। अभी हम जस्ट पहुंचे थे कैंप्टी फॉल, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि हम अंदर जा नहीं सकते। साथ में आई एम नॉट श्योर कि आपको कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो या तो मैं वॉइस ओवर में डालूंगा या तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम जा रहे हैं कंपनी गार्डन। तो बेसिकली हुआ क्या कि हम पहले कैंप्टी फॉल तो गए थे लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने सोचा कि हम वहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं। वहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, हम बस नीचे गए थे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। हम इवन पानी में भी नहीं गए, फॉल्स में भी नहीं गए, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे चलो टिकट दे दो। इसको वैक्स म्यूजियम बोलते हैं कि क्या है? इसके अंदर वैक्स म्यूजियम है, बाहर भी वैक्स म्यूजियम लिखा हुआ था ना। हाँ, वो इसीलिए था यहाँ शॉप ही। हाँ वाह, इस गार्डन का नाम पहले होता था बोटैनिकल गार्डन, ठीक है। अब इसको कहते हैं या तो कंपनी गार्डन या लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कंपनी बाग। ये बनाया था ब्रिटिश एरा में, एक बहुत फेमस जियोलॉजिस्ट होते थे जिनका नाम था डॉक्टर फैंकनर। उन्होंने ये बनवाया था अपने यहाँ पे लोकल जितने भी ब्रिटिशर्स होते थे उन सब के आराम के लिए बना था। इनफैक्ट कैंप्टी फॉल भी उसके लिए बना था। अब वहाँ पे तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए पर मैं उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। अभी बेसिकली ये बना था इनिशियल 1900s में, ये बना था 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बना था और ये बना था सिर्फ ब्रिटिशर्स की आराम के लिए। अब जब ये हमारे अंडर आ गया है और
अब यहाँ पे जब जहाँ की जो नॉर्मल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इसको हैंडल करती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने केम्प्टी फॉल में ना कुछ ज़्यादा शूट क्यों नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस था, सेकंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, ड्यू टू विच ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद में मुझे ये डर था कि क्योंकि अगर मैंने कैमरा निकाला और इतनी भीड़ है तो देयर माइट बी अ चांस कि कोई छीन के ना भाग जाए। अब उसके डर की वजह से ही मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे हम कट करते हैं। मैंने शॉट्स ले लिए हैं जो मैं आपको वीडियो में डाल के दिखा दूँगा, बट आपको वहाँ के बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि केम्प्टी फॉल ना डिस्कवर नहीं हुआ था, उसको बनाया गया था। बनाया किसने था, ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था जॉन मैकिनर था, आई एम नॉट वेरी श्योर, जॉन मैकिनर नाम था उनका। उन्होंने 1835 में बनाया था। अब बनाया क्यों था, तो सो दैट उनके जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है ना वो वहाँ पर आके आराम कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्वेंट हुआ था, नॉट डिस्कवर्ड। सेकेंड ऑफ ऑल इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम जो पड़ा है ना केम्प्टी फॉल्स, वो पड़ा कैसे मैं आपको वो बताता हूँ। अब ब्रिटिशर्स ऑफिशियल जब भी वहाँ पे आते थे ना तो वो दो काम करते थे, पहला कैंप करके वहाँ पे चाय पीते थे, इसीलिए उसको वो कहते थे केम्प्टी फॉल्स। अब हमारे पास जब ही आया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे पास जैसे ही आया तो हमने उसका नाम रख दिया केम्प्टी फॉल्स। दिस इज़ द रीज़न उसका नाम केम्प्टी फॉल पड़ा कैसे। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, और झूला भी है तो मुझे झुला दोगे? उनको बिठाएंगे वो? क्यों? छोटो मैं भी बच्ची हूँ। तो अभी हम आए राइड्स के लिए, यहाँ बहुत सारी राइड्स हैं, कुछ बच्चों के लिए जो मेरे को नहीं कंफर्टेबल बैठने में और साइज भी थोड़ा छोटा सा है, तो हम नैरो डाउन कर रहे हैं दो पे। एक हम अभी इसमें ज़्यादा ड्रैगन वाले थे और उसके बाद हम सेकंड जाएंगे वो आपको तब वहाँ दिखाएंगे। अभी यहाँ चलते हैं। इसका प्राइस है 50 rupees पर हेड, कोई भी आप राइड ले सकते हो, बस आपको 50 rupees देने हैं। आपको एक टिकट मिल जाएगी। कुछ अभी चला भी नहीं है, बच्चों वाला है ड्रैगन। आपको घर नहीं गए आप? मैंने बड़े बड़े गए हुए हैं। ये तो तेज हो रहा है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ मजा आ गया, गुदगुदी हो रही पेट में। अच्छा हमने ज्यादा नहीं, मम्मी मम्मा ये तो बहुत चलते घूम रहा है पर मजा आ रहा है। वही बहुत टाइम के बाद बैठे हुआ था, कैसा लग रहा है? मेरे को तो ठीक लग रहा है, थैंकफुली हमने ज्यादा खाया नहीं है अभी तो चल जाएगा। मम्मी मैं बंद कर रही हूँ, नेक्स्ट राइड में मिलेंगे, ठीक है भाई। बहुत टाइम बाद बैठी हूँ मैं तो, मेरे तो फट के आत्मा आ गई है। ओ गॉड, थैंकफुली हमने बहुत हैवी नहीं खाया था, विच वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर बोथ ऑफ अस। हम दोनों बहुत टाइट पकड़ा हुआ था बट बहुत डर लग रहा था। अब हम उस वाले गए झूले में, उन्होंने बोल दिया भाई ये टिकट यहाँ चलती नहीं है। अब मैं वापस ट्राई कर रही हूँ, या तो कोई ले ले, देखते क्या कर सकते, क्योंकि बाकी तो भाई बच्चों के लिए वो हम दोनों में से कोई भी नहीं बैठ सकता। यहाँ पे कंगल थे, उनको टिकट लेनी थी, मेरे पास एक्स्ट्रा थी, मैंने दे दी, उन्होंने पैसे दे दिए। ये फ्लावर्स हैं कौन से, पता आपको नाम? यार मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा है ऑनलाइन। हाँ। ये ना मैरी गोल्ड हो सकता है, दो ये गोल्ड नहीं है बट ये उसकी एक प्रजाति हो सकती है। मैंने कहीं पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर, तो मैं ऐसा कमिट नहीं कर रहा। ये निकल रहा है देखो, ये वाला अभी निकला नहीं पूरा। हाँ। ब्लूम होएगा ये वाला। हाँ। ये एंड टू एंड पूरा आधा किलोमीटर के रेडियस में बना हुआ है पूरा। क्या ये लकड़ी के हैं? क्या ये लकड़ी के हैं? हाँ। अच्छा है। ये क्या ये बच्चों के ना। पर ये है क्या? ये टायर से बना हुआ है, ये रिसाइकल्ड है, ये टायर है, ये पूरा ये टायर का इसके ऊपर इम्प्रिंट है। तो अब 6 बज चुके हैं,
ऑलरेडी, तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम वापस जाते हैं। अभी हम रास्ते में देखेंगे कि अगर हमें कोई अच्छा कैफ़े मिलता है जहाँ पे हम जाके कुछ खा पाए। तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद में हमें ये लिटिल लामा मिला है। हमारी ऑलरेडी आइटनरी में था, हमने सोचा था हम यहाँ पर आएंगे, लेकिन बड़ी बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में हमें जगह मिली है। अंदर जाके देखते हैं कैसा है। ओके, तो फाइनली हम लिटिल लामा के अंदर हैं। थोड़ा सा क्योस मचा था अभी, क्योंकि रूम दो सीटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी यहाँ पे, टेबल फॉर टू नहीं था, बट अब अवेलेबल हो गया है। तो अभी कुछ टाइम हम कुछ ऑर्डर देंगे और देन लेट्स सी उसके बाद में फिर क्या है इसका रिव्यू। मंगाया है बनाना कॉफ़ी लाटे, मैं फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, तो काफ़ी बहुत अच्छा बनाना का टेस्ट आ रहा है। और ये है वाइट सॉस पास्ता, यहाँ पे विदाउट वेजेस वैसे बनता है बट मैंने वेजेस ऐड कराई हैं, तो ये भी मैं देखती हूँ कैसा है। बहुत जूसी। क्या मंगाया आपने? मैंने मंगाया है बीबीक्यू पनीर पिज्जा, स्टैंडर्ड आता है 12 इंच का, दिस इज द स्टैंडर्ड वन। अपार्ट फ्रॉम दैट मिक्स लाइम सोडा अच्छा है, थोड़ा टूवर्ड्स स्वीट टेक्सचर में है बट बेटर है, बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट एकदम अच्छा है, जितनी भी इसमें वेजिटेबल्स है वो एकदम फ्रेश है, चीज़ एकदम जूसी है, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। कहने का क्या मंगाया? तो मैंने डेजर्ट मंगाया और ट्रियो केक, आई थिंक ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। इसमें ऊपर ऊपर एकदम स्लाइस, जो श्रेडेड स्लाइसेस होते हैं वो है। बेसिकली ड्राई केक है, ड्राई केक विद द ऑरेंज टेक्सचर, काफी सॉफ्ट है। अगर मैं साइड से देखो, मैं नीचे नीचे मैं करूँ, ये मैं साइड से कर रही हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो देखते हैं कैसा है। ऊपर ऑरेंज सिरप डाला हुआ है विद ऑरेंज श्रेडेड, क्या बोलते हैं, स्लाइसेस। बहुत च्यूई है और बहुत ही ना सॉफ्ट है, मुंह में घुल रहा है, बहुत टेस्टी है और ज़्यादा मीठा भी नहीं है, बट मतलब एप्ट है मीठा, जो ऊपर ऊपर का लेयर है उसमें एप्ट मिठास है, नीचे तो बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, एप्ट है। आप खा के बताओ। तो हम लोग सब खाना पीना करके आ चुके हैं अपने रूम में और अब हालत हो रही है खराब, बहुत नींद आ रही है, मेरा मेकअप एकदम फैल चुका है, इसको भी क्लीन करेंगे। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।